मुझे अभी देखो मिल रहे हैं देखे जल्दी खुश हो रही है आज हम इस तरह के लिए सुहाना तोड़ने के लिए जो हमने ठहरा हुआ था ये देखें। अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की प्यारी अच्छी और बेहतरीन सुबह का आगाज हो गया है। अल्लाह करे आज का दिन आपका अच्छा और सही सलामत और ज़बरदस्त गुजरे, और जो भी डेली की रूटीन है और डेली का काम है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा और आपके साथ शेयर भी करूँगा इंशाल्लाह। YouTube फैमिली, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें, फुल देखें, एंड तक देखें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज का मौसम बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत, ये देखें सब कुछ साफ़ है, क्लियर है। आज धुंध बिल्कुल नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ़ है और धूप निकली हुई है और सूरज भी निकला हुआ है। और सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, क्योंकि आजकल जो है ना सर्दी जम रही है, बर्फ़ थोड़ी सी जमी हुई होती है। सुबह सुबह मैं आपको कल दिखाऊंगा, आज तो नहीं दिखाया कि दिखाने लेट उठा हूँ, नमाज़ पढ़ के सो गया था, रात को देर तक जागते रहे कि एतवार थे इस वजह से, तो अभी मैं उठा हूँ तो कल मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह सर्दी जमी हुई होती है हमारे गाँव में। उधर देखें जानवर भी हर कहीं बाहर निकले हुए, धूप है ना, हर कहीं अपने जानवरों को भी बाहर बांध दिया है धूप में। और ये दोनों सुबह सुबह आ गई, दोनों छोटी जी। हाँ ये देखिए, इसको तो नींद आई हुई है, नींद से उठ के आई है ये। और ये इसको देखो, ये फीटर फिर रही है, इसका दूध नहीं है, ऐसे ही फीटर मुंह में डाला हुआ है। हाँ भाई साबिर, कैसे हो? ठीक। कब आए हो? कल रात को। रात को आए हो? सब चीज ठीक चल रहा है जी? तबीयत ठीक है? ठीक। सुबह की हमारी चाय तैयार हो रही है, दूध और पत्ती और चीनी डाल दी है, अभी बाहर लगने वाला है। नीचे आग भी जली हुई है लकड़ियों की, और इधर देखिए पराठे के पेड़े भी बन चुके हैं। सुबह सुबह आ गई आयत खेलने के लिए बच्चों के साथ। ये देखिए हमारे छोटे छोटे पेंगुइन, कितनी खुश हो रही है। ये देखिए चिक के साथ के लिए, चिक के साथ मुर्गी के, चिक के साथ मुर्गी के साथ भी खेलिए। आयत 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 ओ आयत आयत ओ तेरी वो छुट गया कैच आयत से। आयत सुबह से बहुत खुश है। ये देखिए आयत कैच कैच इट कैच इट और गया छुट गया कैच, आयत से कैच छुट गया। आयत क्या नहीं कर सकती? आयत लुक इट लुक इट वॉश हो, खराब हो गई। वॉश इन लुक करी है, वॉश करे वॉश बॉल को धो के आओ। हाँ वाह यद वाह, उनके साथ भी इंग्लिश मार रही है, कम कम कहिए। आया थे वो इंग्लिश नहीं समझते, इंग्लिश नहीं समझते, वो उर्दू समझते हैं। और क्या पकड़ ले, नहीं पकड़ भाग जाते हैं आयत, भाग जाते हैं आयत। क्या चाहिए, क्या चाहिए? चाबी। किस चीज की चाबी? दुकान की चाबी। इधर देखो, इधर देखो आयत, लुक इट लुक इट। किस चीज की चाबी? खाली चाबी आज आयत, ये लुक इट लुक इट चाबी लुक इट। चाबी मिल गई अभी, चलो दुकान पे चलो। किधर जाएगी, किधर जाएगी आयत? कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? दुकान से शह लेगी, चीज लेगी। नो अभी मैं खुद दुकान का ताला खोले। अरे ठहर ठहर, तुमसे नहीं खुलेगा, दो मिनट। और ये किधर गए, किधर से खुलेगा? मैं भी भूल गया खोलना। हाँ तो आपको दो आयत को, आयत को, आयत खोल रही है। अरे ये तो खोलो, देखे दुकान को खोल कर मैं जा कर रही है चीज खाने के लिए। अरे क्या चीज चाहिए आपको, क्या चाहिए? हाँ रियो, ले रियो नहीं है, सुपर बिस्किट, सुपर बिस्किट नहीं चाहिए, ये वाला सुपर बिस्किट। हाँ ये ले लिया, ये ले लिया। अरे तो और क्या चाहिए आपको? हाँ सुपर बिस्किट।
बिस्किट। सुपर बिस्किट उठाया हुआ है। हाँ ये चाहिए। नो सुपर बिस्किट चाहिए। सुपर बिस्किट, सुपर बिस्किट। तेवा भी आ चुकी है। तेवा आ गयो? समझ टाइम मजा आया था? कितना आ तो चले जाओगे यहाँ से भी। और आयत भी खेल रही है आज। बाल आयत भी खेल रही है। ये देखे आयत से डालो भाई। आयत आयत के हाँ मालो 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 देखिए हाँ तुम तुम्हारी बारी खत्म हो गई। ओके हट जाओ हट जाओ अभी हमारी बारी हट जाओ। वाह आयत वाह आयत वाह आयत वाह। तनी क्या कह रही है? अपने जबान में कुछ बोल रही है। चाइनीज में बोल रही है। आज हम इस तरह के लिए वो ऊपर चढ़े हुए हैं सुहाना तोड़ने के लिए जो हमने ठहरा हुआ था। ये देखें लकड़ियां जो काट रहे हैं बहुत सारी सारी बीफ है। पूरे इसकी लकड़ियां जो काट देंगे और उसका बाटा जो आंटी काच लेके जाएंगे। अबू ने सारे का सारे लकड़ियां जो काट दिए सारा बाटा खत्म कर दिया। देखें कुछ भी नहीं बचा बस यही दो एक दो बच्चियां इसे काटेंगे। अभी सारा सुहाना जो काट चुका है। देखें लकड़ियां हर तरफ फैल चुकी हैं गिर गई हैं। देखें ये बड़ी लड़ी टहन जो है इस तरह थी इसको भी काट कर फेंक दिया गया है। अब वो भी छोटी छोटी टहने जो है वो काट रहे हैं। तो अम्मी और साहब लग गए इसे काटने में। आंटी सारा भी ये देखें और ये सारा निकालेंगे जो ये है सारा सुहाना। तो देखें कितनी प्यारी और क्यूट माशा। देखें खरगोश की तरह छुपी हुई है आयत। हरियाणा के साथ जो है ना सोया तोड़ रहे हैं। देखिए जिसको देखा वही तोड़ रहा है। और बाजी भी आज हम हेल्प कर रही हैं सोया तोड़ने में। हर कोई यहाँ पे सोना तोड़ रहा है। और यहाँ पे नानी भी अबू अपनी बकरियों के यहाँ पे सोहाने की जो पत्ते हैं वो तोड़ के बकरियों को डालेंगे। देखें अबू ने इकट्ठी कर लिया और भी तोड़ रहे हैं। देखें ये सारा पत्ते जो है बकरियों को डालेंगे। उनको भूख लगी हुई है आज। उनकी बकरियों को भी मजे लग गए। देखें आज स्कूल पढ़ने जा रही हो? ये देखे वो ये बोले कि मेरे पिच खींच रहे थे। अभी ये खींच लिए एक फोटो। ये देखे इसने मुजम्मिल का पीछे बैग पहना हुआ है और स्कूल जाने की तैयारी की हुई है। अरे स्कूल जाना है? ओहो स्कूल जाना है। चलो स्कूल चलना है। आज स्कूल चले। आज 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 ये देखे स्कूल जा रही है आयत। आयत पढ़ने जा रही है। चलो गो लेट्स गो टू स्कूल। ये के अंदर सारा सामान रख दिया। अंकल जो है सारा सामान सेटिंग से रख रहे हैं। जो भी जो डिग्गी फुल हो गई है। पीछे जो कोई थी के बैठने की जगह नहीं है। आयत भी तैयार हो चुके हैं। मुस्तफ़ा भी तैयार हो गया। सब तैयार हो गए अभी जाने के लिए। आज जो ये जा रहे हैं आज नवे कोट होंगे फिर कल वहाँ से चले जाएंगे। जब बंदा चले गए गाड़ी के अंदर आयत ने अपनी पहले जगह बनाना शुरू कर दिया। देखें आयत ने स्टार भी उठा लिया। आयत पहले घुस गए ताकि उसकी जगह बनी रहे। नो करो नहीं करो नहीं करो वो बोल रही है। अरे जा रही है भाई। आयत बाय आयत बाय बाय बाय। ये देखें सब आंटी सितारा को मिलने के लिए क्योंकि आज सारा जा रही है ना। सब आंटी सितारा को मिलने के लिए आके ठहर गई है यहाँ पे। आंटी अभी अम्मी को मिल रही है। देखें बहुत खुश है साथ में दोनों। आंटी को सबको भी मिल लिया सामने। अभी आंटी सितारा की बहुत याद आएगी। आंटी सितारा वाले जा रहे हैं। मुझे अभी अम्मी को दादी को मिल रहे हैं। देखें मजाके कर रहे हैं। कौन सा रंग का साथ ने भी मिल लिया। बोला दिनों बाद मिले अभी भी जा भी रहे हैं। से मिल रहे हैं अभी साहब से मिलने तो भी। अल्लाह हाफिज़। जा रही है बाय बाय कर रही है सब बच्चों को। अच्छा ठीक है जी। और सियारा बहन चली गई। ये देखिए उनकी गाड़ी जा रही है। अब ये जो है ना नवाकोट जाएंगे। वहाँ से मेरे ख्याल में सुबह या शाम को रवाना होंगे। कन्फर्मी के स्टेम रवाना होंगे। लेकिन आज यहाँ से चले गए। अल्लाह इनको खैरियत से पहुँचाया अपनी मंजिल मकसूद पर। और ये बड़ी सेफली से पहुँचे। हर जो मुसलमान सफ़र कर रहा है अल्लाह उनको खैरियत से पहुँचाए। आमीन। ये देखिए मुजम्मिल साइकिल चला के आ रहा है। लगता है मुजम्मिल फुल सीख गया है। हाँ मैं फुल सीख गया। ये जी मैंने इसको फुल सिखा दिया। वाह भाई वाह। हाँ मुजम्मिल वाह माशाल्लाह सही चला लेता है। अब यह है जी सही चलाते। और वकार भाई के अबू ने कहा था वादा किया कि मैं ना आपने जो साइकिल चलाना सीख लिया मैं आपको न्यू साइकिल लेके दूंगा। हाँ वो तो है। लेकिन वो भी सिखा रहा था ना उस देर।
हाँ वो भी सिखा रहा था। मदनी भी सब ने कोशिश की, सब कहा कि पैडल मारते रहो मारते रहो, सीख जाओगे, डर को गोली मार दो। हम समझ ले, सीख गया। खुश है? क्या खा रहा है? चिप्स खा रहा है? मुझे चॉकलेट भी दिला दो ना। नैना दुकान पे आई है। नैना क्या लेने आई है? चीज़। पैसे कैसे लगे? मेरी बहन के, तेरी बहन के पास है जी। अच्छा, और हमसे नजर नहीं आ रहा, उसे बुखार आ गया आज जी। चलो मैं आ जाऊंगा है उससे मिलने के लिए जी। बहुत तेज बुखार है या हल्का सा है? बहुत तेज। ओए ओए, मैं आज सुबह से कह रहा हूँ हमजा नहीं आ रहा, हमजा नहीं आ रहा। किसी ने बताया नहीं कि हमजा बीमार है। चलो पे लेटा हुआ है। ओए ओए, चलो मैं आऊंगा है, ठीक है? उसको बता रहा मामू आएगा। आज हमारे घर बन रहा है नारा, क्योंकि हमारे हमसाई की जो है गाय ने बच्चा दिया है और ये बहुत मजेदार बनता है। नारा इस चीज को कहते हैं जब कोई गाय या कोई भैंस बच्चा देती है, उसका जो पहले दूध निकलता है ना वो बहुत गाढ़ा होता है, तो उसे चाय के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उसका हम नारा बना के खाते हैं। 6-7 दिन नारा ही देती है, फिर जो है दूध देती है। देखें अभी ये बनाएंगे हम, खाएंगे, बहुत मजे वाला बनता है ये। नारा जो है बन के तैयार हो चुका है, देखें कितना यम्मी लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कस्टर्ड बना हुआ है, बहुत मजे का बना हुआ है। यही हम खाते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। देखिए वाओ, तो भी खाएंगे रात को डिनर में ये। अभी शाम हो चुकी है, रास्ता इधर प्यारा लग रहा है और मैं जा रहा हूँ हमजा के घर में, और इधर साथ में भी फसल है और इधर भी फसल, और बीच में सड़क, कच्ची सड़क, और ये देखिए हमारी बजाते सड़क कैसे घूम घूम के, और ये हमजा के घर का रास्ता है। मैं जा रहा हूँ हमजा के घर में और मैं हमजा के घर पहुँच गया हूँ। ये हमजा का दरवाज़ा, और अभी मैं इसको क्रॉस करूँगा और हमजा के घर के अंदर एंटर हो जाऊँगा। ये देखिए कुत्ता भी, ओह डॉगी भी खड़ा हुआ है, हमें काटना नहीं भाई, डॉगी भी आगे, डॉगी भी खड़ा हुआ है, डॉगी भी काटना नहीं, हट जा, चल जा 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 जा। ये डॉगी भाग गया, जानता है वरना मुझे काट, मेरी टांग गई थी घर को, मुझे जानता नहीं तो मेरी टांग गई थी। दिलू भी सो रहा है, अधील भी सो रहा है आराम से मजे से। आज तो माशाल्लाह अधील ने भी कपड़े पहने हुए हैं, और हमजा को मैं देख रहा हूँ, किधर है हमजा? हमजा बीमार हो गया है, हमजा बीमार हो गया। हाँ। क्या बुखार आ गया जी? अब तबीयत कैसी है? ठीक है, ठीक है। अभी मुझे बताया तो मैंने कहा जो आऊंगा हमजा की जो है इजाजत करूंगा, छोटा समझा। मैंने कहा सारा दिन आया नहीं हमजा, क्या बात है? तो इन्होंने अभी बताया कि हमजा बीमार हो गया है। सारा दिन उधर मेरे घर में खड़ा रहता है। चलो बनाते कुछ दवाई लिया तूने जी? अच्छा अच्छा। और मेरा डेरा लग चुका है, और मेरे डेरा में है साग, आलू और मटर, और साथ में रोटी, और देखिए लाइट भी नहीं है। सुबह भी जब हम रह सकते हैं लाइट नहीं होती, और इस टाइम भी जब रात को डिनर करते हैं लाइट नहीं होती। लाइट भी कभी आती है कभी जाती है, लाइट भी हमें जलील किया हुआ है। यूट्यूब फैमिली आज चले गए हैं, सितारा भैंस आज भाई और उसकी फैमिली और भाजी भी सब चले गए हैं नवाकोट, नवाकोट से फिर वहाँ जाएंगे कराची। यहाँ जो खुशियों का माहौल बना हुआ था वो अब ख़त्म हो गया है, अब यहाँ पे जो है उदासी छा गई है, क्योंकि वो जब आते हैं तो खुशियाँ लेके आते हैं, जब चले जाते हैं तो खुशियाँ अपने साथ ले जाते हैं। तो अल्लाह उनको खुश रखे और अल्लाह उनको खैरत से उनको घर पहुँचाए। तो आज सितारा बहन ने पूछा जो हमारे लिए चीज़ रखी हुई है हमारा तोहफ़ा वो हमें क्यों नहीं मिला, तो हमने पूछा कौन सा तोहफ़ा, तो उन्होंने हंस के बोला कि वो सुहाजना, मैंने आपके ब्लॉग में देखा था कि सुहाजना मेरे खड़ा हुआ है, तो वो उसको तो नहीं आपने दिया काट के? हमने कहा नहीं आज उसको काटते, तो आज हमने वो भी काटा और वो भी सारा बहन को दिया, क्योंकि इस मसरूफियत इतनी थी और ऐसे यानी कि इतनी ज़्यादा मसरूफियत थी तो ये बात भूल गए थे, तो आज हमने उसको सुहाजना भी दिया और इस तरह मैंने बहुत खुश होकर लेके गए हैं। और यहीं पे मैं अपना व्लॉग भी एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बताएं कि आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।